क्या आप लोग कभी ऐसे मंदिर गए हो जो एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है? नहीं, मैं उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल इन सभी जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में उस मंदिर को, और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आप लोग भी हमारे साथ इस मंदिर के वातावरण को अनुभव कर सकें, वो भी घर पे बैठे बैठे। देखो, ये मंदिर का नेचर के काफ़ी करीब है, आसपास काफ़ी जंगल वगैरह है, तो आप लोगों को यहाँ पे बड़ा अच्छा अनुभव होगा। ठीक है, यहाँ पे वातावरण भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आप लोगों को, और यहाँ पे आपको एक तरीके से सुकून मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको इस चीज़ का अनुभव हो। हे गाइस, सो जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। तो गाइस, मैं हूँ आपके साथ हनी भाई। और मैं हूँ मनी भाई। और आज हम आए हुए हैं, कौन सी जगह मनी भाई? अहिंसा स्थल। हम एकदम शांत हैं, तो समझ जाओ कि हम अभी हैं दिल्ली के अहिंसा स्थल में, जो कि एक जैन मंदिर है, राइट? हाँ। जैन मंदिर है और दिगंबर जैन मंदिर। ठीक है, तो ये है अहिंसा स्थल एंड काफ़ी अच्छी प्लेस है। लगा नहीं था कि दिल्ली में ऐसा भी है एक जगह। ठीक है, बेसिकली थोड़ा हिडन प्लेस है, मोस्टली लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो हमारी मोटिव यह है कि हम दिल्ली की ऐसी हिडन प्लेसेस दिखाएं जिनके लिए लोग इजीली ना पता हो जिन्हें, और वो जाके दिल्ली में पता करें कि भाई ये भी जगह है। बट अभी हमें दिगंबर जैन मंदिर, तो बेसिकली दिगंबर जैन मंदिर आपका ये पड़ता है साकेत के पास। तो यानी कि यहाँ पे आने के लिए जो सबसे नियस्ट मेट्रो स्टेशन है वो साकेत है, और जो आप बाकी जो साकेत का मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर दो से आपको एग्जिट करना है, दो से करना है। ठीक है, और वहाँ से लगभग 700-800 मीटर, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास होगा, ज़्यादा नहीं। आप ये कह रहे हैं 1.5 किलोमीटर के अराउंड है। हाँ, मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के आसपास। दिगंबर जैन मंदिर का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर है। हाँ, आप बाय वॉक आ सकते हो, बट यार थोड़ा पता है बाय वॉक में इशू क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रास्ता है। ठीक है, क्योंकि ना ये तो जंगल सा पड़ जाता है पार्क के, हम चोट करके चक्कर में आ गए पार्क के अंदर से, वो पूरा जंगल। अगर आपके साथ कोई लेडीज वगैरह हो या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो तो थोड़ा यू नो डैट कि थोड़ा रिस्क सुनसान सा पड़ जाता है, रिस्की सा रहता है। तो बेसिकली आप ऑटो लेके आ जाओ, दिगंबर जैन मंदिर फेमस है यहाँ आसपास, तो बाकी आसपास के लोग बहुत सी जानते ही नहीं है, यहाँ पे भी साकेत के लोग ही नहीं जानते। अगर आप लोग यहाँ पे पूछोगे ना कि भाई अहिंसा स्थल कहाँ पे है या फिर क्या नाम है, कुछ और लोकेशन पूछोगे, यहाँ के लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो कोशिश ये करोगे गूगल मैप के जरिए तो बताना। ठीक है, गूगल मैप पे जरिए आओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगी कि भाई कई बार गूगल मैप आप लोगों को थोड़ा लंबा रास्ता दिखा देगा। ठीक है, तो उसके भरोसे मत आना। ऑटो वगैरह, हाँ क्योंकि ऑटो वगैरह लेके आ जाना, ठीक है, हम प्रेफर ये करेंगे क्योंकि 1.5 किलोमीटर होगा, अकेले बंदा आ रहा है तो चलो ठीक है आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर फैमिली वगैरह के साथ आ रहा है तो ऑटो वगैरह लेके आ जाए, उसके लिए 20-30 रुपये किराया होगा या नहीं होगा ये पर बंदे का, तो ठीक रहेगा वो चीज़, आप उससे आ सकते हो। और बाकी जो स्थल है वो बेसिकली जो स्थल है ये अहिंसा स्थल के नाम से फेमस है, दिगंबर जैन मंदिर अहिंसा स्थल। ठीक है, पीछे मूर्ति भी है एक बड़ी साड़ी जो अपने व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी, आपको दिख रही है अभी यहाँ से, बाकी व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप पूरा व्लॉग देखो एंड एंजॉय करो, हम मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में, और फिर करते हैं थोड़ी बहुत बातें। तो आइए ऊपर चलते हैं। जैसे ही आप लोग पहाड़ी की तरफ ऊपर बढ़ोगे तो ऐसे कुछ मूर्ति रखी हुई नज़र आएंगी, जो कि जिसने भी बनाया बड़ा अच्छा बनाया है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो जो आपका एनवायरनमेंट है ना, उसकी जो खुशबू है वो आपको फील होती जाएगी। ठीक है, और बेसिकली ये है हमारे हनी भाई जो हमारे आगे चल रहे हैं। अब बैल के बजाने की बारी आ गई है, बैल बजाई हमने और चलते हैं ऊपर कि ऊपर बुद्ध जो बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी हुई है वो कैसी है। यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट वगैरह थे जो कि यहाँ पे ड्राइंग वगैरह कर रहे थे और आर्ट अपने आर्ट के जरिए अपने कला को उतार रहे थे अपनी कॉपी में। तो जो भी है, ये आसपास का ये पीछे का बैकग्राउंड का इलाका है, तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ वगैरह करते होंगे ये लोग। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो नज़ारा है ना नीचे का,
बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जंगल वगैरह है, आप लोग कि यहाँ पे फील करोगे कि यहाँ एनवायरनमेंट क्या होता है। दिल्ली में यहाँ पे काफ़ी कम जगह है जो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। चलो खैर इन सब बातों छोड़ो, ऊपर चलते हैं। और जैसे ही हम लोग ऊपर प्रवेश करते हैं ना, तो उसका अलग ही नज़ारा होता है। जैसे सामने मूर्ति रखी है बुद्ध भगवान की, वहाँ तो ये सामने हमारे हनी भाई है, ये जा रहे हैं अपना प्रार्थना करने के लिए। तब तक आप यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं कुतुब मीनार। तो ये देखिए आपको कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, अहिंसा स्थल पे आते हैं, तो सामने से आपको कुतुब मीनार भी नज़र आएगा। तो ये अच्छी बात है, अगर आप लोग कुतुब मीनार घूमने आते हैं तो आप अहिंसा स्थल भी आ सकते हैं, बुद्ध भगवान की मूर्ति के दर्शन भी कर सकते हैं। और यहीं से आपका आजम खान का मकबरा भी है, आप लोग यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं, जिसका कोई टिकट चार्जेस नहीं है। और ये हमारे सामने बुद्ध भगवान हैं, तो इनका आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं घूमने के लिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पे कुछ गिने चुने ही लोग आते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आप लोग पहले आ चुके हैं तो कमेंट में डाल दें कि हाँ आप लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो ये इनके द्वारपाल या सेवक, आप जो भी कहते हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों तरफ इनके द्वारपाल या सेवक हैं जो कि इनकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहते होंगे। और आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ पर जो नेचर का टच है ना, बड़ा अच्छा है। क्योंकि कब दिल्ली में बहुत रेयर केस है कि आप लोगों को ये जगह मिल जाए। तो गाइज आई होप आपने एक पूरा व्लॉग देखा होगा दिगंबर जैन मंदिर अहिंसा स्थल का, एंड काफ़ी पीस है यहाँ पे, शांति है यहाँ पे, एंड व्यू भी अच्छा है और लोकेशन भी अच्छी है, राइट। तो आई होप आप ये वीडियो पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। एंड जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो यहाँ पे नियस्ट मेट्रो स्टेशन आने के लिए वो है साकेत का मेट्रो स्टेशन, जहाँ से साकेत मेट्रो स्टेशन से दिगंबर जैन मंदिर जो अहिंसा स्थल है उसका जो डिस्टेंस है वो 1 से 1.5 किलोमीटर है। बात हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं, राइट। और मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि मंदिर है ओबियसली तो चार्ज नहीं होगा। लेकिन कई बार लोग सोच लेते हैं कि चार्ज वगैरह कुछ हो, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टिकट विकट नहीं है यार, हाँ ठीक है, हाँ टिकट विकट नहीं है कोई, आप बेफिक्र आ सकते हो। हाँ अच्छा लगे, कुल मिला की बात यही है आप लोगों को अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। इतना कुछ खास है नहीं, बट यहाँ एक मूर्ति है जो कि महावीर जैन की है, ठीक है, जो महावीर भगवान है उनकी मूर्ति है, तो आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी मूर्ति है, एक्सपेक्ट नहीं था कि दिल्ली में ऐसा मंदिर है, ठीक है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो हिडन प्लेसेस है ना, तो वो आपके लिए ढूंढ ढूंढ के उसके लिए वीलॉग बनाए। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि आपको इस प्लेस के बारे में पता था या नहीं पता था, ठीक है। तो कमेंट में करके बताओ कि पता था या नहीं पता, ठीक है। और आज गाइस वोट का दिन भी था, तो मेक श्योर आप सबने वोट दिया होगा। अगर आप 18 से अबव है, तो ऑडियंस हमारी वैसे मोस्टली 18 से अबव है, तो आई होप वोट दिया होगा दिल्ली में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रही इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि लोकेशन के बारे में आपको पता था या नहीं पता था, तो हमें भी अवेयरनेस हो कि भाई हम ही गलत थे, लोगों को पता है या हमें नहीं पता था, ठीक है। और आपसे मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, एंड हैव अ ग्रेट डे।